नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बीएसपी के बाद बीजेपी भी चली ब्राह्मणों की ओर। आज परशुराम चौक का शिलान्यास करेंगे बीजेपी नेता। बुलंदशहर के शिकारपुर में होगा शिलान्यास। पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा करेंगे चौक का शिलान्यास। आपको बता दें कि अब बीएसपी के साथ बीजेपी भी ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसी कड़ी में आज परशुराम चौक का शिलान्यास करेंगे बीजेपी के नेता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर के शिकारपुर में होगा ये शिलान्यास। पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा करेंगे चौक का शिलान्यास। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसपी ने पहले ही शुरू कर चुकी है विचार संगोष्ठी, और ऐसे में अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं बीएसपी के राह पर चलती हुई नजर आ रही है। पहले बीएसपी ने शुरुआत की थी ब्राह्मण कार्ड खेलने की राजनीति, अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसी लाइन पर चलती हुई साफ नजर आ रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर में आज इसका शिलान्यास किया जाएगा, और ऐसे में अब साफ लग रहा है कि 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बिल्कुल एक्टिव मोड पे हैं, और इसी का नतीजा है कि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी के बाद अब बीजेपी भी चली है ब्राह्मणों की ओर, और कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि यूपी में सबसे 15 से 17% ब्राह्मणों का वोट रहता है। ऐसे में सभी पार्टियां इन्हें साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा इसका शिलान्यास करेंगे। बुलंदशहर के शिकारपुर में होगा शिलान्यास। आज परशुराम चौक का शिलान्यास किया जाएगा, जहां पर बीजेपी नेता वहां पर शामिल होंगे। बीएसपी के बाद अब बीजेपी ने भी चली है ब्राह्मण कार्ड। आपको बता दें कि आज परशुराम चौक का शिलान्यास होना है, वहां पर बीजेपी नेता इसका शिलान्यास करेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। बुलंदशहर के शिकारपुर में आज इसका शिलान्यास होना है, और ये बीजेपी नेता इसका शिलान्यास करेंगे, और बीएसपी के बाद अब बीजेपी भी ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में बसपा विपक्ष पश्चिमी यूपी के 23 जिलों में विचार संगोष्ठी कर रही थी, और ब्राह्मणों को साधने की यहाँ पर कोशिश किया जा रहा था, और ऐसे में इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को मनाने की कवायद में जुट चुकी है, और इसी कड़ी में आज परशुराम चौक का शिलान्यास करेंगे बीजेपी के नेता। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, अब बीजेपी बीएसपी के बाद बीजेपी भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय सभी पार्टियों के लिए जो ब्राह्मण वोट हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर ब्राह्मण वोटों को लेकर के सभी लोग जो हैं वो अपनी राजनीति में जगह देनी शुरू कर दी है। उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण की भाजपा से नाराजगी, और उस नाराजगी का सभी फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर अब भाजपा। जिस तरह से ब्राह्मणों को मनाने के लिए उन्होंने अपनी राजनीति में ब्राह्मणों को स्थान देना शुरू किया, उससे बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं ये वोट जो है वो सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। अगर जनगणना देखी जाए तो करीब 12% का स्थान जो है पूरे प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का है, और जाहिर है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ में ही प्रतिशत भी बढ़ा है, यानी इस समय करीब 16% का वोट बैंक जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक है, और ऐसे में हर कोई चाहता है कि इनको अपने पक्ष में करें, हर कोई चाहता है कि इनको अपने साथ में लाया जाए, हर कोई चाहता है कि हमारे पक्ष में आए, क्योंकि जितने भी वोट के समीकरण हैं वो अच्छी तरह से सबको पता है कि मौजूदा समय में चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे दलित जाति के लोग हों, या ठाकुर वर्ग के लोग हों, या फिर अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी वर्गों ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उसे अपना वोट कहां देना है, सबके वोट सुनिश्चित हैं। ऐसे में ब्राह्मण की नाराजगी के बाद सबको यह पता है कि ये वोट अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं किसके पास जाएंगे। इससे पहले ब्राह्मणों ने एक साथ वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया था, और बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार जो है वो संपूर्ण तरीके से आई थी, यानी पूरी तरह से आई थी, और उसका असर भी दिखा था, क्योंकि इसके पहले बसपा ने भले ही सरकार कई बार बनाया हो लेकिन हमेशा ही सरकार वो पूरी तरह से नहीं चल पाई, लेकिन जब ब्राह्मणों ने साथ दिया था तो सरकार
बनी थी और यही वजह है कि जब ब्राह्मण भाजपा से नाराज हुए हैं तो हर कोई चाहता है कि इन्हें अपने पक्ष में किया जाए, हर कोई चाहता है कि ये वोट बैंक हमारे पास आए, हर कोई चाहता है इस वोट बैंक के साथ में एक बार फिर से सरकार बनाए। और जाहिर है कि इस ब्राह्मण पॉलिटिक्स के चलते ही यहां पर हर कोई परशुराम की मूर्ति बनाना चाह रहा है, कोई ब्राह्मण सभा करवा रहा है, कोई प्रबुद्ध जन सभा करवा रहा है, कोई परशुराम चौक बनवा रहा है, कोई 151 फीट की मूर्ति परशुराम की लगवा रहा है। तो जाहिर है कि काफी महत्वपूर्ण हो चुका है इस बार 2022 में ब्राह्मण, और सभी चाहते हैं कि ये वोट बैंक जो है वो उनके पक्ष में रहे। जी विजय, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ बुलंदशहर से पुनीत जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या लगता है इस बार बीएसपी किस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है, या फिर हम बात करें बीजेपी की, क्योंकि सभी अब ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक तरफ जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अब ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए तैयार हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं जगह जगह, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आज बुलंदशहर के शिकारपुर में एक परशुराम चौक का उद्घाटन करने के लिए जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य मंत्री हैं अनिल शर्मा जी वो मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि शिकारपुर विधानसभा सीट जो है वो ब्राह्मण बाहुल सीट है और इसी से भारतीय जनता पार्टी के जो अनिल शर्मा हैं वो विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से आज जो है वहां पर परशुराम चौक का उद्घाटन किया जा रहा है, वहां शिलान्यास किया जा रहा है, इसके चलते एक फिर ये ब्राह्मण कार्ड देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एक नया ट्रंप कार्ड खेल रही है। जी जी पुनीत, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ विजय भी बने हुए। विजय, लगातार बीजेपी भी ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए तैयार है, और अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी अगर पहले सत्ता में आई थी तो वो भी ब्राह्मणों की वजह से आई थी, तो इस बार वो किस तरीके की रणनीति बना रही है? अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की भी क्या कुछ रणनीति होगी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए? देखिए, यहाँ पर दिल्ली की दो दिवसीय बैठक हुई थी, उस दौरान भी पूरा कार्यक्रम बना कि आशीर्वाद यात्रा का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। आरएसएस की दो दिवसीय बैठक राजधानी लखनऊ में जब हुई थी तब भी ब्राह्मणों को लेकर के उन्होंने रणनीति बनाई थी, यानी गुरु पूर्णिमा पर गुरुजन का इस तरह से आशीर्वाद लेना, और वो पूरा कार्यक्रम भाजपा नेताओं ने किया भी था हाल ही में जो गुरु पूर्णिमा आई हुई थी। और एक बार फिर से यहाँ पर उस रणनीति को आगे बढ़ा रही है भाजपा। जाहिर है कि कहीं ना कहीं सभी जो वोट बैंक को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, भाजपा ये झटका बिल्कुल नहीं खाना चाहती। यानी मौजूदा जो राजनीतिक सिनेरियो उसमें आप देखिए कि जाहिर है कि जब आपकी सरकार होती है तो कहीं ना कहीं जनता की बहुत सारी नाराजगी यहां पर होती है, चाहे किसान बिल की बात कर लें, शिक्षा मित्र की बात कर लें, एम्बुलेंस कर्मचारियों की हम बात कर लें, तदर्थ शिक्षकों की बात कर लें, आंगनवाड़ी हो गए, राज्य कर्मचारी हो गए, यानी कहीं ना कहीं एक नाराजगी की संख्या काफी बड़ी होती जाती है। तो सरकार के पास जो ऑप्शन होता है वह यह होता है कि उनकी कोशिश यह होती है कि किसी भी तरह जनता को मनाया जाए, किसी भी तरह जनता को अपने पक्ष में किया जाए। हाल ही में राज्य कर्मचारियों के भत्ते के मसले को लेकर सरकार ने अपनी हामी भरी है, शिक्षा मित्रों को भी लेकर के सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है, तदर्थ शिक्षकों पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया। तो सरकार अपनी रणनीति में इन सब चीजों को लाती है कि जो जो लोग नाराजगी जिस वजह से है उस नाराजगी को कम किया जाए, और यही वजह है कि ब्राह्मणों को भी लेकर के सरकार की तरफ से जो अपनी रणनीति है उसको यहां पर शुरुआत की गई है। और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो नाराजगी है उसको खत्म करना चाहती है, उसको कम करना चाहती है, और उसी के तहत यहां पर परशुराम की मूर्ति और ये तमाम सारे कार्यक्रम, परशुराम चौक, ये सारी चीजें की जा रही है, और उसको इसी ही उसमें देखा जा रहा है। क्योंकि हाल ही में विधान परिषद में भी ये माना जा रहा है कि इस बार एक दो ब्राह्मणों को जगह दी जाएगी, मंत्रिमंडल अगर विस्तार होता है तो उसमें भी ब्राह्मणों को जगह देने की बात कही जा रही है। तो एक जो नाराजगी है उसको पूरी तरह से दूर करने की कोशिश में भाजपा लगी हुई है, और यही वजह है कि परशुराम चौक की बात यहां पर भाजपा की तरफ से की जा रही है। विजय, आप हमारे साथ लगातार बनी रही है। इस बीच हम रुक करेंगे पुनीत का। पुनीत, आज परशुराम चौक का शिलान्यास करेगी बीजेपी, और ऐसे में वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए तैयारियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 हजार ब्राह्मणों का जो है वो भीड़ वहां शामिल रहेगी। हालांकि काफी और लोग भी यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री अनिल शर्मा वो एक ब्राह्मण सम्मेलन मीटिंग भी रखेंगे, वहां पर सम्मेलन भी किया जाएगा। साथ ही परशुराम चौक का जो शिलान्यास किया जा रहा है उसमें जो है जिलाधिकारी की भी बताए जा रहे हैं कि वो भी मौजूद रहने की जो बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्षेत्र में चर्चा है कि ऐसा तो नहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये ट्रंप कार्ड खेल रही हो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जो शिकारपुर विधानसभा सीट है वो ब्राह्मण बाहुल सीट मानी जाती है और यहां से अनिल शर्मा विधायक है, और आज जिस तरीके से क्योंकि पहले वहां पर ब्राह्मण चौक जो
ये नहीं बताया जा रहा था। आज जिस तरीके से परशुराम चौक उसका नाम रखा गया है और परशुराम चौक का शिलान्यास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकबागों में ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मण जो है कार्ड खेलने के लिए जो है तैयार है। जी जी पुनीत और विजय, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।